नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। प्यारे बच्चों, अगर आपको डर लगता है वोकैब से, मतलब वर्ड और उनके मीनिंग से, आपका इंग्लिश में हाथ बहुत टाइट है, मतलब आप लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं और कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हैं, या फिर सेम डे अगर आप 10 वर्ड याद करते हैं उसमें से आपको याद रहते हैं मात्र 3 से 4 वर्ड। आपको समझ नहीं आता कि वोकैब मैं कैसे याद करूं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं और एग्ज़ाम को मैं कैसे क्रैक करूं। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में इस समय चल रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वोकैब का कोई एंड नहीं होता, वोकैब का कोई अंत नहीं होता। नए वर्ड डेली मार्केट में आ रहे हैं, डिक्शनरी में डेली नए वर्ड ऐड हो रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। दुनिया भर के सवाल, इन सवालों का जवाब देने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशन की। इस बुक में जो भी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं वो सभी वर्ड आपके एसएससी के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। तो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए अगर वर्ड पे आप लोग फोकस करते हैं तो वोकैब में आपकी कमांड काफ़ी अच्छी होगी। और सेकंड बात ये कि आप कभी भी कोई भी वोकैब याद करते हैं, इस वीडियो को कभी भी वॉच करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके लिए आप लोगों को अपने साथ एक नोटबुक रखनी है। जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको पेन डाउन करना है और उसको दिल से पूरी ईमानदारी के साथ याद करना है। और अगर ये बुक आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको अमेजन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सेट 3, वर्ड नंबर 1, इनसर्जेंट। इनसर्जेंट, इसका जो कीवर्ड है, मतलब इसको याद करने की जो शॉर्टकट की है वो है सारे एजेंट, सर से बनाए सारे, जेंट से बनाए एजेंट। इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है विद्रोही, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इसका निमोनिक हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि सारे एजेंट विद्रोही क्या हो गए, हो गए हैं। अगर जितने भी एजेंट होते हैं, जैसे कि आप कभी कभी आपने DL बनवाया होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आप जब कभी भी DL बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर गेट में कुछ लोग दलाल खड़े होते हैं, उसको बोलते हैं एजेंट, ठीक है। और सरकार नए 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 रूल निकालती है कि अगर कोई भी एजेंट मिला आपको अथॉरिटी के बाहर तो उसको पकड़ करके आप जेल में बंद कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस अगर ऐसा करती है, कई सारे लोगों को अगर एक साथ एजेंटों को जेल में बंद कर देती है, तो वो क्या करेंगे, वो जेल के अंदर विद्रोह करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप एक वर्ड के साथ, अगर आप 1 से 2 मिनट देते हैं एग्जाम्पल को अपने मन में दोहराते हैं, तो डैम श्योर, मैं पक्का वादा करता हूँ आपको, आपको इस तरह से वर्ड याद हो जाएगा। अब आप इस वर्ड को अपनी नोटबुक में नोट करिए, ठीक है। इंसर्जेंट का मीनिंग लिखिए, हिंदी में होता है विद्रोही, ठीक है। उसका कीवर्ड, कीवर्ड जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे सारे एजेंट, सर से बना सारे, जेंट से बना एजेंट, ठीक है। और इसका जो सिनोनिमस होगा वो होगा रिबिलियस, डिसऑबिडेंट, एंटोनिमस होता है इसका ऑबिडेंट एंड सबऑर्डिनेट। वर्ड नंबर 2, देखिए अगला जो वर्ड है वो है रेपारेशन। रेपारेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। कीवर्ड है इसका री, री से बना री, री का मतलब दोबारा, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन। एग्जाम्पल, दोबारा ऑपरेशन के लिए आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी, दोबारा जो ऑपरेशन हुआ है उसके लिए आपको उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, ठीक है। रेपारेशन यूज है इसका, जो सिनोनिमस होगा वो होगा कंपनसेशन। और
रेस्टिट्यूशंस, एंटोनिमस, सिंपैथी एंड पेनल्टी। वर्ड नंबर थ्री, जिंजरली। जिंजरली कीवर्ड क्या है इसका? जिंजर। जिंजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो हम जिंजर खाते हैं, जिंजर को बोलते हैं अदरक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जो जिंजर खाते हैं उनमें बहुत क्या होती है, सावधानी होती है काम को करने की। जिंजर खाना क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो जो जिंजर खाते हैं उनमें क्या होती है, बहुत सावधानी होती है, काफ़ी सतर्क इंसान होते हैं। इसका सिनोनिमस होगा केयरफुल, फेस्टिडियस, एंटोनिमस केयरलेस एंड रफ। वर्ड नंबर फोर, फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना या प्रेरित करना। कीवर्ड है इसका फास्टर, फोस्टर से बना फास्टर। हमें फास्टर बॉलरों का पालन पोषण करना चाहिए। जो बॉलर होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, तो हमको उनका क्या करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी डाइट अच्छी होगी, तो वो हमको क्या करवाएंगे, हमको वर्ल्ड कप वो हमारे भारत के लिए जीत कर लाएंगे। ठीक है, वैसे खिलाड़ियों की जो दशा है काफ़ी ख़राब है, केवल क्रिकेट खिलाड़ियों की दशा काफ़ी अच्छी है। अगर आप हॉकी टीम देखें हमारी, ठीक है, या अदर कोई गेम की टीम देखें, सबकी हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि मैक्सिमम फोकस लोगों का होता है क्रिकेट पर, और क्रिकेट में जो खेल का जो भी फंड होता है वो मैक्सिमम अब रिलीज करते हैं, और अदर खेलों के प्रति हमारा ध्यान बहुत कम है, हमारा रुझान काफ़ी कम है, हमारा इंटरेस्ट जीरो के बराबर है। चलिए बात बहुत अधिक हुई, बात करते हैं सिनोनिमस की। कल्टीवेट, फीड। एंटोनिमस होता है इसका ब्लॉक एंड हॉल्ट। वर्ड नंबर फाइव, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है उपद्रवी। कीवर्ड है इसका आउटराज। सिनोनिमस विग्ड, फ्लैग्रेंट। एंटोनिमस मोरल एंड गुड। वर्ड नंबर सिक्स, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना। कीवर्ड है इसका परसो एड, PERSU से बना है परसो एड, एड से मतलब एड, परसों से उसे ऐड करने के लिए राजी कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि ये ऐड मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्या करा उसको, परसों से उसको क्या करा, ऐड के लिए हमने राजी कर लिया है, वो परसों से शूट करने अपना आएगा। ठीक है, सिनोनिमस क्या है इसका, कन्विंस, अर्ज। एंटोनिमस प्रिवेंट एंड रिपेल। वर्ड नंबर सेवन, स्केपिटिज्म। इसको बोलते हैं संदेहवाद, मतलब डाउटफुल। कीवर्ड है इसका सेफ्टी। स्केपिटिज्म से बना है सेफ्टी। एग्जाम्पल, सेफ्टी की चिंता की वजह से उसे क्या हो रहा है, डाउट हो गया है, उसकी जान को खतरा था, उसने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले ने उसको एक हवलदार दे दिया उसके सेफ्टी के लिए, लेकिन हवलदार पे भी उसको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि क्या ये मेरी रक्षा कर पाएगा। तो इसका मतलब होता है संदेहवाद। डाउटनेस, एंटोनिमस क्लियरनेस। वर्ड नंबर एट, स्ट्रैटेजम, मतलब कपट, युक्ति। कीवर्ड है इसका स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजी जो उसने बनाई है उसमें क्या है, कपट है, उसमें क्या है, खोट है, मतलब दाल में कुछ काला है। सिनोनिमस क्या होता है इसका, ट्रिक एंड कॉन। एंटोनिमस ट्रूथ एंड रियलिटी। वर्ड नंबर नाइन, सिसेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है विराम, अंत। कीवर्ड है इसका सौ सेशन। सौ सेशन के बाद इस क्लास को विराम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी कोचिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक टारगेट होता है कि 3 मंथ में आपका SSC का कोर्स पूरा हो जाएगा, 1 मंथ में हम लोग मैथ करवा देंगे, 1 मंथ में हम आपको इंग्लिश करवाएंगे। तो हर एक का क्या होता है, एक सेशन होता है। जैसे ही सेशन क्या होता है, पूरा हो जाता है, तो आपके क्लास में क्या होता है, एक विराम लग जाता है कि अब आपका कोर्स पूरा हो चुका है, अब आप घर में सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कभी कभी डाउट होगा तो डाउटफुल क्लास में आप आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सेशन से बना है सेशन, मतलब अंत। इसका सिनोनिमस होगा एंडिंग एंड सीज।
एंटोनिमस एक्शन एंड स्टार्ट, एक्शन एंड स्टार्ट। वर्ड नंबर 10 प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है ये प्रोक्रेस्टिनेट। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको अभी याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कंटिन्यू किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है विलंब करना, लेट करना, डिले करना, किसी को लटकाना। लटकाने का मतलब फांसी पे या पंखे पे वैसा नहीं है, लटकाने का मतलब किसी को एक्सक्यूज देना, बहाने बनाना कि मैं आज घर पे नहीं हूँ, कल आना मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास पैसा है, आ चुका है, बैंक में अभी चेक सबमिट करा है, तो पैसों के लिए जो होता है मतलब थोड़ा सा एक्सक्यूज वगैरह, उसको बोलते हैं विलंब करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। सिनोनिम्स क्या है इसका, डिले एंड लैग। कीवर्ड देखिए, पूरा क्रैश, पूरा विमान क्रैश हो गया, इसलिए क्या हो गया, विलंब करना पड़ा। अगर पूरा विमान क्या होगा, क्रैश हो जाएगा किसी जगह पर, और वहीं एयरपोर्ट पे आपकी भी फ्लाइट है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके फ्लाइट के टाइम कुछ अप एंड डाउन हो जाए, तो क्या होगा, विलंब हो गया आपको, जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ पे आप 1 घंटे 2 घंटे लेट पहुँचेंगे। ठीक है, एंटोनिमस है इसका हरी एंड रश, सिनोनिमस हम पढ़ चुके थे, डिले एंड लैग। वर्ड नंबर 12 लाउसी, लाउसी का मतलब होता है बहुत खराब, लाउसी का मतलब क्या होता है, बहुत खराब। इसका कीवर्ड आप याद कर सकते हैं, लाउसी से बनेगा लस्सी, चलिए ठीक है ना, इसका कीवर्ड हम याद करते हैं लस्सी से। लस्सी हमने पी थी, बहुत खराब थी, मतलब बहुत खट्टी थी, हम उसको पी नहीं पाए, लाउसी से क्या बना है, लस्सी। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से बना लीजिए कि उस दुकान की लस्सी काफ़ी ख़राब होती है। लस्सी कैसे खराब होगी, बहुत ज़्यादा खट्टी होगी तो आपको ख़राब लगेगी, ठीक है। लस्सी कैसी होती है, मीठी मीठी, गर्मी में आपको आराम देती है। लस्सी के फ़ायदे मैं आपको गिनवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये लेक्चर वॉकअप का है, ना कि स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है। गर्मी से कैसे बचा जाए, लू से कैसे बचा जाए, ठीक है, तो ये वैसा वीडियो नहीं है। चलिए, सिनोनिम्स क्या है इसका, ऑफुल एंड टेरिबल, एंटोनिम्स गुड एंड प्लीजेंट। वर्ड नंबर 12, वर्ड नंबर 12 इनफ्यूरेट, फ्यूरेट से बना है फोरेट, ठीक है। देखिए इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है गुस्सा दिलाना। अब इसको हम किस तरह से याद करेंगे वो देखिए, अब इसका कीवर्ड बनेगा 48, 48 से क्या बन गया, 48। एक आदमी था, उसने एक नई गाड़ी ली, उसकी गाड़ी का नंबर की लास्ट की डिजिट जो थी वो थी 48। पहली बार वो गाड़ी में बैठा और रास्ते में गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तब से उसको 48 नंबर से क्या हो गया, उसको नफरत हो गई, उसने स्कूटी परचेज करी, उसने बाइक परचेज करी, उसको गलती से 48 नंबर दोबारा से कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया, तो ये 48 देखते उसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निमोनिक सेट करेंगे अपने। आई थिंक इनफ्यूरेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आप निमोनिक अपने खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप इन्हीं निमोनिक को आप ढंग से लिखेंगे, केवल इनको याद करेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक स्किल्स होती है, आप डेवलप खुद भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। टाइम टू टाइम आप सब सीख जाएंगे, लेकिन इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिनोनिम्स क्या है इसका, एनरेज, इरिटेट, एंटोनिमस अपीज एंड काम। वर्ड नंबर 13 बिक्विट, बिक्विट का मतलब होता है वसीयत करना। कीवर्ड है इसका बिका था, बिक्विट का मतलब बिका था, बिका था उसका वही सामान जिसका वह वसीयत करके गया था। सिनोनिम्स क्या है इसका, बेस्टो एंड एंडो, एंटोनिमस टेक एंड गिव। वर्ड नंबर 14 इन टोटो, बहुत अच्छा वर्ड है ये इन टोटो, और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है टोटो से बना टोटल, ठीक है, टोटो से बना है टोटल। इनका टोटल चाहिए मतलब पूर्णतः चाहिए, मतलब इसका टोटल करो और पूरा करना ढंग से करना, ठीक है, पूर्णतः। इसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्णतः। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, एवरीथिंग एंड होल, एंटोनिमस इनकम्प्लीटली एंड पार्टली, मतलब पार्टीशन से बना है पार्टली या पार्टीशन। वर्ड नंबर 15 प्री डिलेक्शन, प्री
इलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। जब इसका कीवर्ड है इलेक्शन, प्री का मतलब पूरे इलेक्शन, पूरे इलेक्शन में होता क्या है, जो आपके करीब नहीं भी होता वो इंसान आपके दरवाजे पर आकर वोट मांगता है और झुकता है, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें आप वोट करना, हम आपका ये भला करेंगे, हम आपके एरिया में ये करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पॉजिटिव बातें गिरवाते हैं, मतलब आपके गेट पर आगे क्या होते हैं, वो इंसान झुक जाता है, ठीक है, हंसकर आपसे बात करता है। तो प्री इलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। कीवर्ड क्या था इसका, पूरे इलेक्शन, पूरे इलेक्शन, पूरे इलेक्शन लोग आते रहते हैं आपके यहाँ में, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं आपके चुनाव में आपके एरिया में, आपसे झुक कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि वोट उनको ही देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसका, फॉन्डनेस एंड लव, एंटोनिम्स है इसका हेट एंड डिसलाइक। वर्ड नंबर 16, हेलुसिनेशन या हेलुकिनेशन का मतलब होता है भ्रम, डाउट। कीवर्ड है इसका हेलुसिने, हेलुसिने स्टार, आपको भ्रम हो गया है, ठीक है। ये एक नाम है पर्सनैलिटी का, हेलो हेलुसिने, हेलुसिने एक स्टार का नाम है, ठीक है, मतलब एक एक्टर का नाम है, उसको देखकर आपको क्या हो गया, थोड़ा सा भ्रम हो गया कि मूवी में तो वो अलग दिखती है और रियल लाइफ में कैसे दिख रही है। अगला जो वर्ड है प्यारे बच्चों, ये है इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा डेल्यूजन्स या इल्यूजन्स, एंटोनिम्स रियलिटी एंड फैक्ट। वर्ड नंबर 17, लुनेसी, लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। कीवर्ड है इसका लोन, लोन से बना लोन, LUN, लोन से बना है लोन। सिनोनिम्स होगा इसका फुली एंड सिलीनेस, ठीक है। देखिए इस लोन को हम कैसे यूज करेंगे, अगर इंसान अपनी सैलरी से जरूरत से ज्यादा लोन ले ले और वो चुका ना पाए तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो टेंशन में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये कि मैं कर्जा कैसे चुकाऊं, बैंक वाले आएंगे उसकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे, तो क्या होगी, टेंशन और बढ़ जाएगी, ठीक है। विचारों का माइंड में एक आडंबर सा खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। सोच एक छोटा सा तिल होता है, और जब हम उस सोच पे काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक सोच के बाद दूसरी सोच ऑटोमेटिक आती रहती है, उसके बाद बन जाता है पहाड़। यही होता है स्टूडेंट के साथ भी कभी कभी, ठीक है। एक एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो वो नेगेटिव सोचता है कि यार मेरा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, टाइम काफ़ी अधिक हो गया है, घर के काफ़ी अलग कंडीशंस है, फैमिली में पैसों की दिक्कत है या फिर फैमिली से काफ़ी प्रेशर है, बहुत सारी बातें आती हैं, ठीक है। तो इंसान उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे इंसान टेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये कंडीशन क्या होती है, पागलपन के सिम्टम होते हैं, ठीक है, लोन से बना पागलपन। सिनोनिम्स इसका मैं बता दिया आपको, फुली एंड सिलीनेस होगा, एंटोनिम्स सेंस एंड विजडम। देखिए बच्चों एक एक वर्ड को आप थोड़ा सा टाइम देना, जिस तरह से मैं आपको निमोनिक बता रहा हूँ वैसे निमोनिक आप भी थोड़े बनाइए, अभी स्टार्टिंग में अगर नहीं बन पा रहे हैं तो इसी बुक में से सेम कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और उसको रिवाइज करिए। जब आप सेट 10 में या 9 में आ जाएंगे, अपनी निमोनिक आप खुद बनाएंगे और मुझे निमोनिक अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आपको नया निमोनिक कुछ आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सर इसका निमोनिक ये हो सकता था, जिससे कि क्या होगा, आप इस चैनल के माध्यम से और कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड नंबर 18, पर पिचुअल का मतलब होता है लगातार। कीवर्ड है इसका पर एक्चुअल, मतलब वास्तव में। एग्जाम्पल, पर एक्चुअल में वह लगातार काम करती है, ठीक है। पर पेक्चुअल का मतलब होता है लगातार, एक्चुअल में वो क्या है, इंसान लगातार काम करता है, कभी ये काम कभी वो काम, कभी भी ऑफिस में 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता, तो पर पेक्चुअल का मतलब क्या होता है, लगातार। और इसका जो सिनोनिमस है और ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इस वर्ड को आप स्किप मत करिएगा, लिख लीजिएगा। सिनोनिमस इसका होता है कंटिन्यूअल एंड लास्टिक, एंटोनिमस एंडिंग एंड फ्लीटिंग। वर्ड नंबर 19, मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। कीवर्ड है इसका मॉर्निंग, MORN का मतलब मॉर्न, मॉर्न का जो कीवर्ड है शॉर्टकट की है याद करने की, वो है मॉर्निंग। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में वह हमेशा विलाप करती है, हमेशा कच कच लगाती रहती है। कच कच का मतलब थोड़ा सा ये इंडियन वर्ड है, शायद बच्चों को पता होगा इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि
शुरू शुरू में सुबह की शुरुआत होते ही मतलब करके कि जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ जेंट्स होते हैं, मेरा ये सामान नहीं मिल रहा, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे ऑफिस जाना है, टाई नहीं मिल रही, तो ये सब क्या होता है सुबह सुबह मतलब एक विलाप वाली स्थिति होती है, एक नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वाइब्रेशन घर के अंदर फैल जाती है। ठीक है, मौन का मतलब होता है विलाप करना, सिनोनिमस क्या है इसका, बिवेल एंड बी मौन, एंटोनिमस डिलाइट एंड प्रेस। वर्ड नंबर 20 में है आपका डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है आपका हवा निकालना या किसी को कमजोर करना। अगर आपने गुब्बारा देखा होगा गुब्बारे में जो हवा भरी होती है, अगर आप छोटा सा उसमें छेद कर दें तो क्या होगा, हवा निकल जाएगी। ठीक है, मैं पतले वाले गुब्बारे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फट जाएगा। ठीक है, होली गुब्बारा इसे बोलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ी सी अगर बॉल है, अगर आप उसमें छोटा सा होल कर लें, फुटबॉल जो होती है, हल्की हल्की क्या होगी, वो पिचकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो इसका कीवर्ड है दो फ्लैट, एग्जाम्पल है दो फ्लैट कम कर दिए गए हैं। तो डिफ्लैट का मतलब होता है कमजोर करना, जैसे इंसान का पेट जैसे होता है कि काफी फैटी होता है, उसका पेट कैसा होता है, बाहर होता है मतलब फैट, फैट को अगर फ्लैट करेंगे तो क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, फ्लैट का मतलब बिल्कुल समतल, पेट थोड़ा बाहर निकला होता है तो फ्लैट का मतलब होता है समतल, अगर उसका पेट काफी अंदर चला गया तो पेट क्या हो गया, उसका समतल हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, वो आदमी कमजोर हो गया लोगों की नजरों में, भाई क्या हो गया, क्या टेंशन खा रही है इसको, इतना कमजोर कैसे हो गया, दुनिया भर की बातें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिमस होगा इसका डिक्रीज एंड डिमिनिश, एंटोनिमस ग्रो एंड डेवलप। 21 है चाओस या केओस, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब तितर बितर, कुछ लोगों के कपड़ों के रैक होते हैं यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, किताबें कभी यहाँ कभी वहाँ, बुक का रैक बिल्कुल तितर बितर होता है, मतलब जिसका कोई ढंग से ऑर्डर ना हो। ठीक है, सिनोनिमस क्या होगा इसका, पैंडिमोनियम, बहुत अच्छा वर्ड है पैंडिमोनियम। SSC जो MTS की तैयारी कर रहे हैं ना, उनका एग्जाम आने वाला है, तो मैं यही चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप इसको थोड़ा लिख लो। ठीक है, पैंडिमोनियम बहुत अच्छा वर्ड है, और एंटोनिमस होगा इसका ऑर्डर एंड पीस। वर्ड नंबर 22 ये है आपका प्रोट्रूड, इसका अर्थ होता है फैलाना, कीवर्ड है इसका पूरे ट्रेड, प्रो से बना पूरे, ट्रूड से बना ट्रेड, एग्जाम्पल पूरे ट्रेड को हमें पूरे विश्व में फैलाना है, मतलब हमने जो बिजनेस खड़ा करा है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, वो व्यापार हमको पूरे क्या करना है, विश्व में दुनिया में फैलाना है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, अपनी सर्विस बहुत अच्छी देनी है, अपनी कंपनी का एक ब्रांड बनाना है अच्छा सा, अपने जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज को सिखाना है कि क्या पर्सनैलिटी स्किल्स होती है, कैसे लोगों को फोर्स करे कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करे। ठीक है, सिनोनिमस क्या होगा इसका, एक्सटेंड एंड स्टार्ट, एंटोनिमस कीप एंड डिप्रेस। वर्ड नंबर 23 हमसे कहता है टाइम सेल, टाइम सेल का मतलब होता है तड़क भड़क, टाइम से बना तीन, सेल से बना सेल, तीनों सेल में तड़क भड़क का सामान ही मिलेगा। ठीक है, जैसे दिवाली का टाइम होता है, सेल चाहे इस काउंटर पे लगी हो, सेल चाहे दूसरे काउंटर पे लगी हो, सेल चाहे तीसरे काउंटर पे लगी हो, सब जगह कैसा मिलता है सामान, तड़क भड़क, मतलब कि दिवाली के साजो सजावट का सामान, लाइटिंग, अच्छी अच्छी लाइटिंग, कैंडल्स, दिए, ये सब सामान क्या होते हैं, काफ़ी ब्राइटफुल सामान होते हैं। तो टाइम सेल से बना है तड़क भड़क, कीवर्ड है उसको याद करने का तीन सेल, एग्जाम्पल है तीनों सेल में तड़क भड़क का सामान ही मिलेगा। सिनोनिमस क्या है इसका, फ्लोरिश एंड डिजाइन, एंटोनिमस सिंपल एंड प्लेननेस। वर्ड नंबर 24 एक्वाइंट, एक्वाइंट का मतलब होता है परिचित कराना, इसका की वर्ड है एक आंट, AC से बना एक, आंट से बना आंट, एक आंटी से उसने मुझे परिचित करवाया, एक्वाइंट का मतलब एक आंट, एक आंटी से उसने क्या करा, मुझको परिचित करवाया। इसका सिनोनिमस क्या है, प्रेजेंट, नोटिफाई, एंटोनिमस कंसील एंड हाइड। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, यह है रिवाइज। ठीक है, रिवाइज जो मतलब ये सभी वर्ड हमने अभी वीडियो में देखे थे। ठीक है, अब आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, आप देखिए कि आपको कितने वर्ड याद रहे इसमें से, कितने के आप लोग हिंदी के मीनिंग बता सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि खुद को चेक करना भी बनता है प्यारे बच्चों। और आप चेक नहीं करेंगे खुद को, बस एक बार वीडियो को सुना, क्लोज करा, नया वीडियो सर्च करा चैनल पे, ठीक है। इस तरह से तो मुझे लगता है कि आपका समय भी काफ़ी व्यर्थ होगा और माइंड में कोई वर्ड जा रहा है या फिर नहीं आ रहा, वो तो खुद चेक करेंगे ना अपने आप से। मैं तो आपके पास नहीं आऊँगा चेक करने के लिए आपको कितने वर्ड याद रहे। तो इसलिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, देखिए, अगर नहीं आते तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, दोबारा इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अब तक भी नोट नहीं करा है, पेन पेपर उठाने का अगर कष्ट नहीं करा है, तो आप कष्ट करिएगा सेकंड वीडियो में। जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ तो उतना प्रयास मैं भी चाहता हूँ कि आप भी करें। देखिए, हमने अभी हमको केवल मात्र 23 मिनट हुआ है, उसमें हमने सीखे 24 वर्ड विद निमोनिक मेथड से, और 24 मिनट में 24 वर्ड याद करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोई कम अचीवमेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि बूंद बूंद करके ही आपका घड़ा भरेगा। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ढेर मत लगाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप वीडियो को डाउनलोड करके बाद में देख लेंगे, क्योंकि बात तो कभी आती नहीं है। 97% बच्चों की बात कभी नहीं आती है, बुक ले आते हैं, परचेज करके जोश करो उसमें लगा लेते हैं ढेर किताबों को अपने रैक में। लूसेंट बुक इंग्लिश की शायद आपके पास होगी, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरा, बताइए, होता है ना ऐसा। अब मैं आपको आपकी किताब बिल्कुल नहीं गिरवाऊंगा, ठीक है। आप खुद देखिए कि आपके इस जो आप मोबाइल पर वॉच कर रहे हैं, मोबाइल की आप जाके देखिए कि आपने कितने वीडियो अब तक सेव करे हैं, उसमें से कितने वीडियो आपको अच्छे से ईमानदारी से याद है। थिंक अबाउट इट, इस बारे में थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि इसमें भलाई आपकी है, हमारी कोई भलाई नहीं है। चलिए बच्चों, ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रिवाइज पे आप फोकस करना, इसका हिंदी मीनिंग लिखिए, अपना स्कोर बनाइए कि आपको 24 मिनट से कितने वर्ड आपको याद रहे, और दोबारा रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि जियो का नेट होगा आपके पास में, अगर नहीं है ऑफिस का नेट यूज़ कर रहे हैं ऐसे में आप लोग, या घर में अपने वाईफाई लगा रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी नॉलेज आपको देगा। और पूरी ईमानदारी के साथ साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। आप तुरंत ना भी देखें, आपके पास टाइम नहीं है, किसी ऐसे काम में फंस चुके हैं कि आप वीडियो को तुरंत वॉच नहीं कर सकते, बट सेम डे टाइम निकाल के उस वीडियो को वॉच जरूर करना, ठीक है। और जो भी आपकी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजना मत भूलिएगा। आपको मैं तरीके से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा था अब तक, और आगे भी करूँगा, और आप भी मेरे साथ प्रयास करेंगे तो हम दोनों की मेहनत मिल करके ही रंग लाएगी, सिलेक्शन आपका होगा पक्का। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।